नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं सेंट 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। लॉकडाउन के दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच कई विवाद सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में सारंगढ़ से दो अलग अलग मामले सामने आए हैं। भंवरपुर में रहने वाले एक युवक ने थाना प्रभारी के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरा मामला ग्राम पंचायत कटेकोनी में रहने वाले प्रदीप कुर्रे का है, जिसने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ पुलिस कर्मियों ने उससे मारपीट की थी, जिसके कारण उसका एक आंख अब नहीं दिख रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस और आम लोगों के बीच कई विवाद सामने आते रहे हैं। इसी कड़ी में बीते बुधवार को सारंगढ़ थाना प्रभारी आशीष वासनिक के ऊपर एक युवक ने मारपीट कर हाथ तोड़ने की शिकायत की। रिपोर्ट सारंगढ़ पुलिस अनुविभागीय अधिकारी के पास की है। दरअसल सियाराम कोसले दानसरा भंवरपुर निवासी ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि वह दिनांक 22 अप्रैल को सुबह 7:45 के लगभग सारंगढ़ गैस भरवाने गैस एजेंसी गया हुआ था। गैस एजेंसी में बहुत भीड़ होने के कारण से उसने सिलेंडर अन्य दिन ले जाने की सोची और अपने पहचान के यहाँ खाली सिलेंडर की टंकी छोड़कर वापस घर की ओर जा ही रहा था। तभी थाना प्रभारी आशीष वास्तिक ने उसे भारत माता चौक में रोककर घूमने का कारण पूछा। कारण बताने के बाद भी उसे सारंगढ़ TI ने मारना शुरू कर दिया और इतना मारा कि उसके बाएं हाथ का हड्डी टूट गया, जिसके लिए उसने सारंगढ़ थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वही घटना के शाम को युवक ने रोते हुए अपने साथ हुए इस घटना का वीडियो व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दिया था, जो काफी वायरल हो रहा है। ये 22/4/2020 का घटना है, जो कि मैं सुबह लगभग आठ बजे अपने घर से निकला था और गैस डलवाने के लिए मैं निकला था घर से सारंगढ़। तभी गैस एजेंसी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण खाली गैस को छोड़ के मैं वापस दूसरे सामान के लिए दुकान की ओर आ रहा था। तभी मेरे को भारत माता चौक में रोककर आशीष वासनिक TI द्वारा रोका गया वहाँ पे, और मेरे को पूछताछ भी नहीं किया और मेरे को मारपीट बहुत करने लगा और इतना मारा कि उसमें मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। देख लो सभी लोग, हाथ भी पूरा फ्रैक्चर हुआ है और पीछे आगे और घुटनों साइड भी बहुत चोट लगा है। जिस सर, मैं सियाराम के साथ में था, मैं ड्राइव कर रहा था, बाइक चल रहा था मैं, और मैं सियाराम को पीटे जा रहा था, तो मैं बाइक में था वहाँ पे TI द्वारा आशीष वासनिक की तरह पीट रहा था। वही ठीक ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कटकोनी में रहने वाले प्रमोद कुर्रे के बताए अनुसार वह सारंगढ़ PDS में काम करता है और रोज की तरह वह 26 मार्च को भी काम करने सारंगढ़ गया था और सारंगढ़ PDS से चावल खाली करने कोतरी गया हुआ था और चावल खाली करते करते रात हो गया, जिसके बाद वो अपने घर आ रहे थे। तभी सारंगढ़ के दुबे कॉलोनी के आसपास कुछ पुलिस कर्मियों ने लॉकडाउन होने का बाद भी तुम घूम रहे हो कहते हो मारपीट कर दी, जबकि उसके पास चावल खाली करने का पास भी था। मारपीट के दौरान किसी एक पुलिस वाले का डंडा उसके आंख पर लग गया, उसके बाद से उस युवक का एक आंख दिख नहीं रहा है। आपको बता दें, प्रमोद कुर्रे एक गरीब परिवार से हैं और रोजी मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पेट भरता है, लेकिन आज स्थिति ऐसी है उस युवक के पास इलाज के लिए भी पैसा नहीं है। युवक गांव वालों से पैसा उधार लेकर अपने आंख का इलाज करवा रहा है। अब उस युवक के पास सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर उस युवक का आंख ठीक नहीं होता है तो युवक को जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 26 मार्च की घटना है सर, ये पुलिस वाले ने मारा था मुझे लॉकडाउन की वजह से। मतलब हम लोग काम पे गए थे, PDS कहाँ काम करने गए थे और कब किस तरह से आपको मुलाकात हुई और मारपीट? हम लोग यहाँ सारंगढ़ ना काम करने गए थे, तो वहाँ क्या बोलते हैं PDS वाले पर कर चौक के पास, तो कोतरी गए थे खाली करने, चावल खाली करने। वहाँ से लौट रहे ना, तो अब शाम हो गया था। हाँ, तो अपने अपने गाड़ी निकालने के लिए घर जा रहे थे, मतलब निकाल के घर आ रहे थे, तब पानी पेशाब करने के लिए एक जगह रुके थे।
तो उतना में पुलिस वाले ने आ गए, अब तो ठोकाड़ी में आ गए। हाँ तो अचानक मतलब मारपीट आने चालू कर दिए उन लोग। तब मैं बाइक पे था तो भागने लगा ना, हाँ तो दौड़ा कर ऐसे मारे ना तो सीधा आँख में लगे। क्या हुआ है आपके आँख को? अब दिख नहीं रहा है सर, ये लगा है चोट लगा है तो। यह 26 मार्च का घटना है और अभी तो इलाज पाती करवाए हैं, ले गए रहें सारंगढ़ में प्रिया डॉक्टर का भी करवाए, रायगढ़ में ले गए रहें तो डॉक्टर नहीं भेटाई, और बाद में चांपा ले गए, चांपा से बिलासपुर रिफायर कर दे रही सोई छे डॉक्टर है, अभी बिलासपुर वाला दवाई मट्टी चला थे। कहाँ ही स्थिति अभी, परिवार कैसे चला थे, काम कैसे करते? अभी कहाँ, लॉकडाउन में काम ही नहीं कर रहे हैं कोई, ऐसे घर में बैठे हैं सब बेकार। नहीं नहीं, वो कैसे अपने परिवार को कैसे चलाता था वो लड़का? वही काम कर कर चलाता था। अभी कैसे कर रहे हैं अभी जैसे? अभी तो बैठा है वैसे, आँख में चोट लगा है तो। दिख रहा है आपका? नहीं नहीं दिख रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सारंगढ़ एसडीओपी जितेंद्र खुटे का कहना है, पीड़ित युवक सियाराम कोसले भवरपुर निवासी द्वारा मेरे कार्यालय में शिकायत की गई है कि थाना प्रभारी आशीष वास्तिक ने उसके साथ मारपीट की है, जिस पर जांच किया जाएगा, जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई किया जाएगा। एक व्यक्ति है सियाराम कोसले, भवरपुर सारंगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा शिकायत प्राप्त हुआ है कि उसके द्वारा कहा गया है कि थाना प्रभारी के द्वारा कुछ मारपीट किया गया है। अब शिकायत पत्र को लिया गया है, अब इसमें जो है जांच किया जाएगा, जांच करने के बाद ही जो भी तथ्य सामने आएंगे उसकी जो भी कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24।